देखिए, इंडियन रेलवेज में यात्री जो है बहुत अधिक संख्या में टिकट बुक करते हैं और यात्रा करते हैं। पहले इन टिकटों का माध्यम पेपर पर प्रिंटिंग हुआ करता था, जो आज भी फिजिकल रूप में मौजूद है। मसलन अगर आप PRS से टिकट खरीदेंगे तो आपको एक पेपर पर प्रिंट किया हुआ टिकट दिया जाएगा, लेकिन जैसे आप ई बुकिंग करते हैं, ई बुकिंग करेंगे तो आपके पास एक मेल आएगा। उस मेल को आप व्हाट्सएप या किसी एंड प्रोसेस के थ्रू अगर आप एक शॉट उसका स्क्रीन शॉट लेकर अपने मोबाइल में उसको प्रिजर्व करके TT को दिखाते हैं तो ये वैलिड माना जाता है। इस तरह से जो है हम बहुत ज़्यादा पेपर की बचत कर रहे हैं और ये पेपरलेस के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह से अभी जो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है उसमें भी जो है हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। हालांकि ये इसका स्वरूप अभी छोटा है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। तीसरी चीज़ ये है कि पहले आपने देखा होगा कि स्टेशन पे रिजर्वेशन चार्ट लगते थे, अब वो डिजिटल चार्ट लगता है। तो उसमें भी जो है प्रतिदिन समझिए कि आप जैसे बिलासपुर स्टेशन से लगभग 100 गाड़ियाँ पास होती हैं, उसमें 80 गाड़ियाँ रिजर्व है, तो 80 गाड़ियों का करीब 22 से 24 बच्चों का चार्ट के पेपर वो जो है वो डिजिटल पर पूरा हो गया। तो वहाँ भी हम लोग काफ़ी उस पेपर की सेविंग कर रहे हैं और ये डिजिटल वे में जो पैसेंजर्स है वो अपना बुकिंग नंबर कुछ नंबर देख सकते हैं। इसकी शुरुआत मतलब टिकट में और चार्ट में भी पहले की जा रही है, उसके बाद फिर आगे नहीं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने बिलासपुर और रायपुर में इम्प्लीमेंट कर दिया है डिजिटल चार्ट सिस्टम जो है। पुराना जो मैनुअल सिस्टम था जिसमें पेपर लगाते थे, पेपर फट भी जाता था, कोई पैसेंजर कभी फाड़ देता था, कभी हमारा स्टाफ भी फाड़ देता था या गलती से फट जाता था। हेलो नमस्कार, आदाब संगी हो संगवारी हो, मैं हूँ करण खान और आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 वेब न्यूज चैनल glips.in। तो दोस्तों, ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए glips.in से। मैं राधे अंगूठा छाप रे, मैं राधे अंगूठा।